हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के फ़ोन में अगर ये जो इस तरीके के गंदे जो नोटिफिकेशन आते हैं इनको आप लोग कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे फ़ोन में ये नोटिफिकेशन बार में अभी ये एक जो है गंदा नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये मेरा कोई भी फ़ोन अपने हाथ में लेता है तो जब वो मेरी नोटिफिकेशन बार को ओपन करता है तो यार अच्छा नहीं लगता है। या आपका भी फ़ोन हो, अगर कोई भी आपका फ़ोन अपने हाथ में लेता है और वो जैसे ही नोटिफिकेशन बार को ओपन करता है या आपके बच्चे आपका घर कोई सदस्य, तो ये तरीके से डर्टी जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो यार ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि ये जो आप लोग के फ़ोन में गंदे नोटिफिकेशन आते हैं ये आपके बंद हो जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा और मैं जो आप लोग को स्टेप बताऊंगा उनको फॉलो करके आप लोग अपने फ़ोन के गंदे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों फ़ोन के गंदे नोटिफिकेशन बंद करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है तो ये दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन आते हैं गंदे वो 99% जो है एक क्रोम ब्राउज़र होते हैं, जो ब्राउज़र होते हैं कोई भी ब्राउज़र हो सकता है आपका, तो वो ब्राउज़र से आते हैं और एक गूगल से आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग बताऊँगा इनको कैसे बंद करना है। सबसे पहले आप लोगों को मैं दो तरीके बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को जाना होगा ऐप्स में और इसके बाद मैनेज ऐप्स में चले जाइए आप लोग और यह मिल जाता है सिस्टम ऐप, तो मैं मैनेज ऐप्स पे चला जाता हूँ। ठीक है गाइस, अब जब आप लोग मैनेज ऐप्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग के फ़ोन के जितने सारे ऐप्स होंगे वो सारे के सारे ऐप्स आप लोगों को यहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को ब्राउज़र सर्च करना है। ठीक है, मेरे मुझे लगता है क्रोम से आ रहा है, मैं क्रोम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस में जाइए और इसके सो नोटिफिकेशन है इनको ऑफ कर दीजिए तो इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये क्रोम ब्राउज़र के सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ ये जो गंदे नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो ही बंद हो जाएँ, सिर्फ बाकी हमारे क्रोम ब्राउज़र के नोटिफिकेशन आए, तो यहाँ पर सो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और आप लोग यहाँ पर बाहर से जाइए आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, जो भी ब्राउज़र है, तो अब मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और यहाँ पे आप लोग को मिल जाता थ्री डॉट पे आप लोग क्लिक कीजिए और इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। तो सेटिंग पे आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से इंटरफेस मिलते हैं। तो यहाँ मिल जाता ऑल साइट्स, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए और देख सकते हैं ये सारी के सारी जो साइट हैं वो यहाँ आ रही हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पर प्ले की होंगी साइट और आप लोगों ने अलाउड कर दिया होगा तो इसकी वजह से ये आप लोगों को जो गंदे नोटिफिकेशन है वो आ रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो है आप लोग सभी जो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो क्लिक करेंगे और क्लियर रीसेट पे क्लिक कर दीजिए और क्लियर रीसेट करेंगे तो जितनी भी साइडें हैं आप लोग इनकी सभी साइड पर जो क्लियर रीसेट है इनको कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ इसकी क्लियर रीसेट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जितनी भी आपकी साइड हैं सबको आप लोग क्लियर रीसेट कर देना और रीसेट करने के बाद अब आप लोग की जो गंदी आप लोग की नोटिफिकेशन है वो आप लोग की आनी बंद हो जाएगी। वीडियो में उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग अपने फ़ोन के गंदे नोटिफिकेशन कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने फ़ोन के गंदे नोटिफिकेशन बंद करने में कोई भी दिक्कत है परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग की रिप्लाई जरूर से कर दूँगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।